मेरा पाकिस्तान तो आया ही तखलीक में मुजाहिदों की लहू के बदौलत। खुदा के फरमान की इससे बड़ी क्या तौहीन होगी कि हमें दहशतगर्द करार दिया जाए। लेकिन जानजेब यार, जिन लोगों पर तुम हमला करने की बात कर रहे हो, पाकिस्तान के बानी का ताल्लुक भी तो उसी मकतबा फिक्र से था। क्या वो लोग मुसलमान नहीं थे? हाँ मेरे दोस्त, लेकिन ज़रूरी नहीं कि जो मुसलमान हो वो दिल से भी मुसलमान हो। कहने को तो तुम भी मुसलमान है, तुम्हें पता है तुम्हारा मकसद हयात क्या है? कम से कम नाहक लोगों की जान लेकर उन पर जुल्म करना मेरी ज़िंदगी का मकसद नहीं। देख यार, मैं तुझे बचपन से जानता हूँ और मुझे पता है तू ऐसा नहीं है। यार लड़ाई के अलावा ये काम किसी और तरीके से भी तो हो सकता है। तुम ही लोगों की वजह से अमेरिकन हमें दहशतगर्द कहते हैं। अमेरिकन वो गोरे जिनके लिए हमारे अफगान मुजाहिदों ने रूस से जंग लड़ी। उस वक्त का बहुत अच्छा था, लेकिन अब हम क्या है? दहशतगर्द। और मेरे दोस्त, जहाँ तक लड़ने की बात है तो मर्द मोमिन तो होता ही वो है जो बेतक लड़ाई करे। अजीज बेटा उठो, यूनिवर्सिटी नहीं जाना? मैं देख रही हूँ आजकल मेरे हीरो का रुझान ज्यादा मजहबी नहीं हो रहा। कहीं किसी मौलवी की बेटी के साथ चक्कर वक्कर तो नहीं चल रहा? अरे नहीं मम्मी, क्या बातें कर रही हैं, बस थीसिस की रिसर्च में मसरूफ हूँ। काफी आई ओपनिंग है मुस्लिम आइडेंटिटी, और अम्मी हमारे मुखालफिन की तादाद इतनी बढ़ गई है कि अब उनको कंट्रोल करना मुश्किल है। बेटा मसाइल जितने भी हों, दीने इस्लाम तो हमें मोहब्बत का तर्ज देता है। लेकिन अम्मी याद है आपको मेरे बचपन का दोस्त जहांजेब? अम्मी उसने अपनी स्पीचेस से बहुत से लोगों को मुतासिर किया है और उसको इस टॉपिक के हवाले से काफी नॉलेज है। बेटा वो सब तो ठीक है, लेकिन इंसान पहले अपने तकब्बुर और धोखेबाजी पर तो काबू पा ले। और वैसे भी नफ्से जिहाद हासिल कर लेना ही सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है जिंदगी का। लेकिन अम्मी मेरी बात तो सुने। लेकिन बेकिन कुछ नहीं, ये फजूल मामलों में अपने दिमाग को ना उलझाया करो। वैसे भी लेट हो रहा है, जाओ तैयार हो। और बेटा अपनी सेहत का जरा ख्याल रखा करो, तुम तो जानते हो कि तुम मेरे अकलौते ही बेटे हो। जी अम्मी। अरे बता तो कौन सी मसूबे चल रही है तेरी आजकल? यार थीसिस की रिसर्च पे काम कर रहा हूँ, काफी आई ओपनिंग। अरे हाँ सुना है, बड़े इसके मौलवी में चक्कर लग रहे हैं, क्या हुआ है? यार एक्चुअली अब उनकी बातें समझ आने लगी है, अगर हम नहीं बदलेंगे तो हालात कैसे बदलेंगे? अबे खैरियत तो है, अभी तो अंडे से ही निकला और बातें देख। समझा इसको भाई, पढ़ाई पे ध्यान दे दे, पेपर वैसे ही सर पे है। और रिसर्च रिसर्च के हद तक ही रखना, इन सब चीजों में तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं। यार तुम लोग है ना मेरी बात ही समझो। यार वैसे क्लास का टाइम हो रहा है और लास्ट चैप्टर का एब्सेंट लगाने का मेरा कोई मूड नहीं। चलो यार चलो, क्या हाल है भाई? उन लोगों के साथ ताल्लुक रखना ही बेकार है जो तुम्हें मजहब की मोहब्बत से दूर करें। यार जहांजेब, यार जब भी मैं उनके सामने जाता हूँ वो मुझे लाजवाब कर देते हैं। यही तुम्हारी रूहानी आगाही की निशानी है मेरे दोस्त। तुम थोड़ा दिन उनसे दूर रहो, तुम एक बड़े मकसद के लिए कबूल कर लिए गए हो, खुदा जल्द तुम्हें खुशखबरी देगा। ज़ैनब बेटा, अजीज तुम्हारे घर तो नहीं आया? नहीं, मैंने सोचा पूछ लूं।
चलो नाजरीन, हम आपको सानिहा सफूरा के हवाले से एक ब्रेकिंग न्यूज से आगाह करने जा रहे हैं, और वो ये कि सानिहा सफूरा केस के हमले में मुलव्विस अहम मुलजिम का नाम अजीज बताया जा रहा है। टेलीविजन स्क्रीन पर आप तस्वीर मुलाहिजा कर सकते हैं, गौर से देखिए शख्स को। ज़राए के मुताबिक हमले में मुलव्विस अजीज का ताल्लुक कराची की मारूफ यूनिवर्सिटी से था।